Hello guys, welcome to the channel Bio Concept with me. Myself Anurag Saini, MBBS from SP Medical College, Bikaner. तो आज हमारा टॉपिक है ट्राइपेनोजोमा. हम इस ट्राइपेनोजोमा पे आज डिस्कस करेंगे, अपने व्यूज शेयर करेंगे. ओके, तो इससे किससे होता है, स्लीपिंग सिकनेस भी होती है ट्राइपेनोजोमा से. तो हम इसकी जो लाइफ साइकिल जो है ट्राइपेनोजोमा की, जो लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे हम, पैथोजेनेसिटी डिस्कस करेंगे हम, डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम, डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम, डिस्कस करेंगे चगास डिजीज के बारे में. चगास डिजीज अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. हम यहाँ पर टॉपिक और भी ले रहे हैं, चगास डिजीज की लाइफ साइकिल ले रहे हैं. और आप वो चैनल अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा सकते हो. ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस. अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ट्राइपेनोजोमा के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं. तो ट्राइपेनोजोमा की एक स्ट्रक्चर जो होती है स्पिंडल शेप होती है. कैसे होती है गाइस, स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप हो गई, ठीक है. सेंट्रल न्यूक्लियस होता है. दिस वन इज द न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, सेंट्रल न्यूक्लियस है. सेंट्रल न्यूक्लियोलस भी सेंट्रल होता है, ठीक है. ये काइनेटोप्लास्ट होगा, दिस वन इज काइनेटोप्लास्ट. एक सेकंड रुको. दिस वन इज काइनेटोप्लास्ट, ये काइनेटोप्लास्ट हो गया, ठीक है. फिर जो है ये आपका एक फ्लेजिलम निकलता है, यहां बेसल बॉडी होगी, वहां से फ्लेजिलम निकलता है, दिस इज फ्लेजिलम, ठीक है. फ्लेजिलम ये जो होती है एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन. ये जो आपको दिख रही है ना ब्लूस सी स्काई ब्लूस, ये एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है. ये ट्राइपेनोजोमा हो गया पूरा. इसके अंदर क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं फूड ग्रेन्यूल या वोल्यूटिन ग्रेन्यूल भी हम कह सकते हैं. तो एक स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होती है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होगी, फ्लेजिला निकलेगा बेसल बॉडी से निकलेगा. काइनेटोप्लास्ट यहाँ पर पोस्टीरियरली होता है. काइनेटोप्लास्ट कहाँ क्या होता है, पोस्टीरियरली. काइनेटोप्लास्ट पोस्टीरियरली होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है. हम ट्राइपेनोजोमा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ दो तीन टाइप ही पढ़ेंगे. एक होता है ट्राइपेनोजोमा ब्रूजी. क्या होता है, ट्राइपेनोजोमा ब्रूजी में दो चीज़ें आती हैं. कौन कौन सी दो चीज़ें आती हैं, ट्राइपेनोजोमा ब्रूजी स्पेसी होगी, उसके अंदर सब स्पेसी आती है. ट्राइपेनोजोमा ब्रूजी सब स्पेसीज में आती है. एक होता है गंबियंस. ये क्या करता है, ये जो स्पेसीज होती है ये आपका वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो ये स्प्रेड करता है. वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन स्प्रेड करेगा, ट्राइपेनोजोमा ब्रूजी सब स्पेसीज गंबियंसिस, ठीक है. एक आती है ट्राइपेनोजोमा ब्रूजी सब स्पेसीज, इसमें आता है सब स्पेसीज कौन सी, रोडियंसिस, ठीक है. ये आपको करता है वो वेस्ट अफ्रीका किया, ये करेगा ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. ये कौन सी करेगा गाइस, ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. ये सब स्पेसीज कौन थी, ट्राइपेनोजोमा ब्रूजी, इसके अंदर सब स्पेसीज आई ये दोनों, ठीक है. अब आता है ट्राइपेनोजोमा क्रूजी जो होता है ये चगास डिजीज करता है. चगास डिजीज जो हम अगला वीडियो बनाएंगे उसके अंदर चगास डिजीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये सारे आपकी स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर क्लियर हो गई, ठीक है. अब बात करते हैं इसके हैबिटेट की, हैबिटेट क्या है इसका, ठीक है. हैबिटेट की हम बात करें अगर, तो हैबिटेट में हम बताएंगे कि मैन में होता है, लिव्स इन मैन, मैन के अंदर रेसाइड करता है, ठीक है. और अदर वर्टिब्रेट होस्ट भी हो सकता है, एंड अदर वर्टिब्रेट होस्ट. ओके गाइस, पैरासाइट करता है ये, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना ह्यूमन का, पैरासाइट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके अंदर पैरासाइट करेगा और उसके अंदर जो होता है मल्टीप्लाई करता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर. फिर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मल्टीप्लाई करके ये इन्वेड कर देगा, इन्वेड मतलब घुस जाएगा किसके अंदर, रीजनल जो लिम्फ नोड है उनके अंदर ही घुस जाएगा, रीजनल लिम्फ नोड के अंदर घुस जाता है. फिर दैनिक फर्दर CNS को भी अटैक कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाती है आपके न्यूरोलॉजिकल स्टेज होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कॉज करता है, तो CNS के अंदर कर दिया. तो पहले किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू, देन रीजनल लिम्फ नोड, देन अटैक कर देगा CNS के अंदर, ठीक है गाइस. अब गाइस हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे. तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में जो होता है ना, वर्टिब्रेट में ये जो होता है एग्जिस्ट करता है
ट्राइपोमस्टिगोट स्टेज, ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यह जो स्टेज होती है ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म, यह हाईली प्लीमॉर्फिक होती है। जो हमें बताया था अभी जो स्ट्रक्चर दिया थी वो किसकी स्ट्रक्चर थी, ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म की थी। ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म तीन फॉर्म में पाया जाता है, एक तो स्लेंडर स्टम्पियन इंटरमीडिएट फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और जो ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म होती है वो क्या होती है, कलरलेस होती है, स्पिंडल एंड स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है। कलरलेस स्पिंडल शेप्ड बॉडी हमने दिखाई थी अभी, फ्रेश ब्लड फिल्म के अंदर ही कलरलेस और स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है। और इसकी जो साइज होती है ना वो 15 से 40 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है गाइस। क्या तीन फॉर्म होती है ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म की, जो ह्यूमन के अंदर हम देखेंगे। ये सारी फॉर्म जो होती है इन ह्यूमन्स, किसके अंदर होंगी, इन ह्यूमन्स में, ह्यूमन्स के अंदर सारी स्टेजेस होंगी। और जो ब्लड फिल्म के अंदर स्पिंडल शेप्ड होगा और कलरलेस स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करें जो ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म है, अगर हम उसको स्टेन करेंगे, अगर हम उसको स्टेन कर देंगे जिनसा स्टेन के साथ, तो हमें क्या अपीयर होएगा, हम क्या डिटरमाइन करेंगे, ठीक है गाइस, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम जिनसा स्टेन करेंगे उसको, तो साइटोप्लाज्म जो होगा वो पेल ब्लू कलर का, हमने लिखा भी पेल ब्लू कलर में है, तो पेल ब्लू कलर में हो जाएगा। न्यूक्लियस जो होता है रेड कलर में है, तो हमने लिखा भी रेड कलर में। काइनेटोप्लास्ट जो है वो कैसा स्टेन करेगा, डीप रेड डॉट स्टेन करेगा। जो वोल्यूटिन ग्रेन्यूल है वो डीप ब्लू स्टेन करेगा। और जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन हमने दिखाई थी, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन हमने दिखाई थी वो पेल ब्लू, एंड फ्लेजिलम जो है वो रेड डिफाइन करेगा, ठीक है। तो देखो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन हमने दिखाई थी, ठीक है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन वो भी रेड होएगा, ठीक है गाइस। सारी स्ट्रक्चर हमारी क्लियर हो गई। हमने डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन के अंदर ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म के अंदर होती है, लेकिन इसकी दो साइकिल होती है, एक तो ह्यूमन के अंदर चलती है, एक वेक्टर के अंदर सैंड फ्लाई के अंदर चलेगी। तो सैंड फ्लाई के अंदर कौन से स्टेज में होता है, तो इंसेक्ट फॉर्म में, ये एपिमस्टिगोट फॉर्म में होता है, एपिमस्टिगोट फॉर्म में होता है, ठीक है। टेंशन मतलब हम आगे लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, उसमें सारा आएगा, ठीक है, नो चिल रहो, ओके। मेटासाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट दो फॉर्म में होता है, एक तो एपिमस्टिगोट फॉर्म, एक होता है मेटासाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी लाइफ साइकिल हो गया, अब हम लाइफ साइकिल डिफाइन करेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल डिफाइन करेंगे, जो वेक्टर हम पहले लाइफ साइकिल डिफाइन करने से पहले हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। वेक्टर जो होता है टीसी फ्लाई होता है, टीसी फ्लाई, ठीक है। और जो रिजर्वोयर होता है इसका, एक होता है वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, उसके अंदर रिजर्वोयर नहीं होता, ठीक है। एक ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है ना, उसके अंदर रिजर्वोयर होता है अर्मेडिलोज जानते हो, ओपोसम्स, ये कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम है, आपको याद रखने पड़ेंगे, फॉर EAS, ठीक है गाइस। ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के अंदर रिजर्वोयर होता है, जबकि वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में रिजर्वोयर नहीं होता। मोड ऑफ इन्फेक्शन देखें तो बाइट, अब बाइट के अंदर क्या होएगा, बाइट के अंदर होएगा मेटासाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट बाइट, जो बाइट लेगा सैंड फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड के अंदर क्या होना चाहिए, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट हमने डिफाइन कर लिया, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होती है, हमने शुरू में देखा था वो ट्राइपोमस्टिगोट ही था, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखते हैं हम आगे इसके लाइफ साइकिल देखते हैं। तो लाइफ साइकिल देखो, ये सैलिवरी ग्लैंड, ये लाइफ साइकिल है टीसीटीसी फ्लाई की, ये पूरी इधर वाले टीसीटीसी फ्लाई, ये वुमन की लाइफ साइकिल होगी, ठीक है, ये बीच का एरिया हो गया। जो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट है ये किसके अंदर है, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर किसकी, टीसीटीसी फ्लाई की। जैसे ही बाइट करेगा वुमन को, तो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट किसके अंदर जाएगा, ह्यूमन की ब्लड के अंदर चला जाएगा। वहां पर ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइपोमस्टिगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राइपोमस्टिगोट के तीन फॉर्म होती है, तीन फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, एक होता है स्लेंडर फॉर्म, एक होता है स्टम्पी फॉर्म, एक होता है इंटरमीडिएट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ट्राइपोमस्टिगोट। तीन फॉर्म कौन से हो गई, स्लेंडर फॉर्म हो गई, स्टम्पी फॉर्म हो गई और इंटरमीडिएट फॉर्म ये हो गई, ठीक है। तो ट्राइपोमस्टिगोट के अंदर कन्वर्ट हो गए, फिर ट्राइपोमस्टिगोट कन्वर्ट हुआ, फिर वो ब्लड के अंदर चला गई, क्या है, डिसीजन इज ब्लड, ये ब्लड है। अब वापस टीसीटीसी फ्लाई आई, ब्लड को सक किया, तो ट्राइपोमस्टिगोट जो है वो सैंड फ्लाई की गट में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट के अंदर, किसके अंदर, इन गट, किसकी गट में, गट ऑफ सैंड फ्लाई की गट के अंदर प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट में कन्वर्ट हो गया। फिर प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट एपिमस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एपिमस्टिगोट के अंदर। फिर सैलिवरी ग्लैंड के अंदर ये एपिमस्टिगोट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमस्टिगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
तो सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। हमने यहाँ पिछले में डिफाइन किया था कि इंसेट फॉर्म में एपिमस्टिगोट के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि इंसेट फॉर्म में एपिमस्टिगोट के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। और इधर हमने डिफाइन किया था कि वर्टिब्रेट के अंदर ये ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म में रहता है, ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म में रहता है, तो यहाँ दिख रहा है ना वर्टिब्रेट के अंदर ट्राइपोमस्टिगोट फॉर्म में है, दिख रहा है। तो यहाँ पूरा क्लियर हमारा चीज़ हो जाती है, ठीक है गाइस। अब हम बात करें स्लीपिंग सिकनेस की। स्लीपिंग सिकनेस इसकी जो पैथोजेनेसिस स्लीपिंग सिकनेस होती है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 1 to 2 weeks होता है, ठीक। पैनलेस जो कैंकरी बन जाते हैं, जो सैंड फ्लाई जो बाइट करती है वहाँ पर क्या बन जाते हैं, पैनलेस कैंकरी, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइपैनोसोमल कैंकरी भी बोलते हैं, एट द साइट ऑफ एंट्री, ठीक है। फिर क्या होता है गाइस, रिजोल स्पॉन्टेनियसली, कभी कभी रिजोल भी हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि फीवर आ जाती है फॉलोड बाय द फीवर, कभी कभी क्या होता है फीवर आ जाती है, चिलनेस आ जाती है, हेडेक हो जाता है, और एनीमिया भी हो सकता है। इसके जो दो स्टेजेस होते हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं, दो स्टेजेस होती हैं, एक होता है फर्स्ट स्टेज, एक होता है सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फर्स्ट स्टेज में सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर ये जो इन्फेक्शन है वो सीएनएस के अंदर भी चला गया तो उसे हम सेकंड स्टेज बोलते हैं, सेकंड स्टेज बोलते हैं। अब यहाँ एनीमिया में फीवर चिल हो गया, उसके बाद में एक स्टेज आती है हीमोलिम्फेटिक स्टेज में क्या होता है गाइज, हीमोलिम्फेटिक स्टेज में क्या होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हीमोलिम्फेटिक स्टेज होगी, हीमोलिम्फेटिक स्टेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है हीमोलिम्फेटिक स्टेज में क्या क्या होता है, ठीक है। ये करेक्टराइज बाय हाई फीवर हो गया, इस स्टेज के अंदर हाई फीवर होता है, जनरलाइज लिम्फ एडनोपैथी हो जाता है, इसको हम बोलते हैं, एक यूनिक नेम होता है इसका विंटर्स बॉटम साइन, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है विंटर्स बॉटम साइन क्या होता है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, हेपेटस स्प्लेनोमेगली, साइज बढ़ जाती है स्प्लेन की, ठीक है। एडिमा ऑफ हैंड और फिट जो होता है ना, हैंड और फिट उनकी भी जो साइज होती है वो भी बढ़ जाती है और एडिमा हो जाता है उनमें। और कार्डाइटिस क्या होता है, स्पेशली विथ EASS, मतलब ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के अंदर कार्डाइटिस भी हो जाएगा, आपका हार्ट में भी डिफेक्ट हो जाएगा, और उसको पूरे चीज़ को बोलेंगे एवी ब्लॉक जो होता है ना वो डिफेक्ट हो जाता है, एवी ब्लॉक के अंदर डिफेक्ट हो जाता है, वहाँ ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो पाती है, तो उसे हम कंडक्शन डिफेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और एनीमिया भी तो होता ही है, ठीक है। तो कार्डाइटिस हो गया, हेपेटस स्प्लेनोमेगली हो जाएगा, कंडक्शन डिफेक्ट, एवी ब्लॉक हो जाएगा, आपका हाई फीवर हो जाएगा, विंटर बॉटम शाइन हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हीमोलिम्फेटिक स्टेज के अंदर ये सारे करैक्टरिस्टिक है हीमोलिम्फेटिक स्टेज के, ठीक है गाइज। फिर क्या होता है गाइज, कुछ महीनों के बाद में, मंथ्स टू ईयर, बहुत साल बीत गए, महीने और साल के बीतने के बाद, ओके। फिर एक सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उससे हम क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजिकल स्टेज कहेंगे। वहाँ पर क्या होएगा, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, इरिटेबिलिटी, ये सारे फीचर्स आने लग जाते हैं, आपका अल्टरनेशन ऑफ स्लीप अल्टरनेशन हो जाएगा, रिदम में चेंज हो जाएगा, पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आने लग जाता है, डिल्यूजन हो जाएगा, मैनिया हो जाएगा, ये अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, ओके। कोमा भी हो सकता है, और कोमा के बाद में ट्रीट नहीं किया तो कन्फर्म डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं कि न्यूरोलॉजी के स्टेज में क्या होता है, आपके हेमोलिम्फेटिक स्टेज में क्या होता है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। हम डिफाइन करें लेबोरेटरी डायग्नोसिस। हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, हम माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं, क्या देखेंगे भाई माइक्रोस्कोपी में हम डिटेक्शन किसके करेंगे, ट्राइपैनोसोम्स की डिटेक्शन करेंगे। कहाँ से हम जो सैंपल है वो कहाँ से लाएंगे, सैंपल लाने का काम कहाँ से होएगा भाई, सैंपल ला सकते हैं हम लिम्फ नोड से हम सैंपल ला सकते हैं, हम पेरिफेरल ब्लड स्मियर से कंसंट्रेटेड, ठीक है। और हम CSF से भी सैंपल ले सकते हैं। तो तीन चीज होगी, लिम्फ नोड हम पेरिफेरल ब्लड से भी ले सकते हैं, CSF से भी ले सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी हो गया, कल्चर किस में करेंगे, एक कल्चर आता है वीमंस, ये आपको याद रखना है, विमन्स और टॉप्स मीडियम, इसमें हम कल्चर कर सकते हैं विमन्स और टॉप्स मीडियम के अंदर। इमेजिंग है, इमेजिंग हम कैसे पता करते हैं, सिटी स्कैन से और MRI से हम पता कर सकते हैं, ठीक है, ये टेक्निक्स हैं। फिर सीरोलॉजी में हम किस एंटीबॉडी को पता कर सकते हैं, किससे, एलिसाइज पता कर सकते हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट से पता आप कर सकते हो, ठीक है। एंटीजन डिटेक्शन भी से भी आप एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हो एलिसा से, ठीक है। मोलिकुलर डायग्नोसिस ये बहुत सेंसिटिव होता है, PCR से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अदर्स भी हो सकते हैं, एनिमल इनोकुलेशन कर सकते हैं, ब्लड का एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम, ठीक है गाइस। तो ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप में किसका सैंपल लेते हैं, लिम्फ नोड का ले लिया, ब्लड स्मेयर का ले लिया, CSF का ले लिया,
और फिर आता है सिटी स्कैन, कल्चर में विमेंस कल्चर यूज होता है, एलिशा में हम डायग्नोसिस करते हैं, इसमें सीएफटी क्रोमेटोग्राफी टेस्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये सारा क्लियर हो गया। अब हम करेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं भाई, हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है गाइस। तो हम देखें रोडेशियन फॉर्म, मतलब ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का ट्रीटमेंट के दो फॉर्म बताई थी, तो ईस्ट अफ्रीकन एक वेस्ट अफ्रीकन। इसका ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी शुरामीन। क्या है? सुरामीन। हिमोलिम्फेटिक स्टेज और न्यूरोलॉजिक स्टेज दोनों बताई हुई हैं, तो हिमोलिम्फेटिक स्टेज पाई गई तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है सुरामीन। अगर न्यूरोलॉजिकल स्टेज तक मामला चला गया तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है मेलार्सोप्रोल। मेलार्सोप्रोल, ठीक है, मेलार्सोप्रोल। दिख नहीं रहा होगा आपको ना, मेलार्सोप्रोल, ठीक है। गम्बेशियन फॉर्म है, गम्बेशियन अगर फॉर्म है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस हो गया पेंटामिडीन। पेंटामिडीन, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल स्टेज में ड्रग ऑफ चॉइस हो गया एफ्लोरनिथिन, ठीक है। अब हम बात करें अल्टरनेट क्या है भाई, अल्टरनेट इसका भी हो सकता है। इसका अल्टरनेट है शुरामीन। अगर ड्रग ऑफ चॉइस से कुछ असर नहीं आ रहा तो आप इधर ले सकते हो मेडासोप्रोल, ठीक है। नाइफर्टिमोक्स कर सकते हो, ठीक है गाइस। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई, ट्रीटमेंट क्लियर हो गया कैसे क्या होता है, ठीक है। लिम्फ नोड एडिनोपैथी के अंदर, तो लिम्फ नोड एडिनोपैथी हमने बताई थी अभी, वो किसके होती है, डोमिनेंट जो होता है ना, वो डोमिनेंट होती है डब्ल्यू ए एस एस में। विंटर बॉटम साइन हमने बताया था, तो ये डब्ल्यू वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के अंदर डोमिनेंट होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, वेरी वेरी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये क्लियर हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो में हम वो चगार डिजीज डिस्कस करेंगे, ट्राइपैनोसोमा क्रूजी से होने वाली, ठीक है गाइस। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर सकते हो, अगर और वीडियो चाहिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को और बेल आइकन दबा सकते हो कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू गाइस, वेरी वेरी थैंक्स।